सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना शर्मा भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज न्यू मंडी मुजफ्फरनगर से आज कक्षा 6 में हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में गद्य के अंतर्गत पढ़ेंगे एक एकांकी जिसका नाम है कर्ण। अब ये शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए बच्चों कि पिछले साल लॉकडाउन में आपने परिवार के साथ बहुत सारे सीरियल्स देखे हैं टीवी पर, है ना, जिसमें से कुछ आपके फेवरेट्स हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो कार्टून्स देखते हैं, है ना, कार्टून्स में भी ये मूवी आई हुई है। तो आपने परिवार के साथ कौन कौन से सीरियल देखे पिछले साल, जैसे रामायण, महाभारत। हाँ जी, जो आज हम पाठ पढ़ रहे हैं वो महाभारत से ही जुड़ा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि महाभारत जो है उसमें कौन कौन से करैक्टर्स यानी कौन कौन से रोल थे, आपको पता है, याद है ना आपको, आप घर में बन के भी खेलते हैं, उसमें से जो उसका आपका फेवरेट हीरो होगा कोई, है ना। तो इस तरह से उसमें कौन कौन से हीरो थे आपको उनके बारे में पता है। हीरो को हिंदी में नायक कहते हैं। तो आज की जो हमारी जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं वो एक एकांकी है, एक नाटक की तरह से है। तो एक नाटक में बहुत सारे रोल्स होते हैं, बहुत सारे हीरोज़ होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं उन हीरोज़ के बारे में कि हमारे नाटक में कौन कौन से हीरो हैं जो काम करने वाले हैं। हाँ जी, तो उसके हीरोज़ यानी पात्र हैं सुयोधन। अब आप समझेंगे कि सुयोधन कौन है। हमने तो जब महाभारत देखी थी हमने तो दुर्योधन देखा था, दुर्योधन नाम सुना था। हाँ जी, जो सही नाम है, सही प्रोनंसिएशन है वो है सुयोधन। दूसरा पात्र यानी दूसरे नाटक में काम करने वाले जो हमारे कलाकार हैं यहाँ पर वो हैं राधा। अब राधा कौन है, राधा है यहाँ पर हमारे पार्ट कर्ण हीरो की माँ, जिन्होंने उनको जन्म तो नहीं दिया लेकिन उनका लालन पोषण किया। उसके बाद आते हैं अधीरथ। अधीरथ से तो आप सभी परिचित हैं, सभी ने महाभारत में सुना भी है और देखा भी है। तो यहाँ पर अधीरथ कौन है, कौन है अधीरथ, कर्ण के पिता जिन्होंने उनका लालन पोषण किया था। वसुसेन, वसुसेन कौन है, ये नाम आपको नया लग रहा होगा कि वसुसेन कौन है, वसुसेन ही कर्ण हैं। लेकिन हमने तो महाभारत सीरियल जब देखा था तो हमने तो वसुसेन का नाम सुना ही नहीं था कि किसी ने उन्हें वसुसेन के नाम से संबोधित किया हो, हमने तो कर्ण का नाम ही सुना था। हाँ जी, जब हम ये पाठ पढ़ेंगे मैं आपको इस सीरियल के बारे में बताऊंगी, ये नाटक के बारे में बताऊंगी, तब मैं बताऊंगी आपको कि इनका नाम कर्ण कैसे पढ़ा और वसुसेन नाम इनका क्यों रखा गया। अगले पात्र हैं हमारे परशुराम। परशुराम जी से आप सभी परिचित हैं, एक महान ऋषि, एक महान शिक्षक, है ना। तो सभी ने परशुराम जी को महाभारत में देखा है, सुना है। अब पाठ को आसान करने के लिए हम पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं, जिससे कि आपको कहानी पढ़ने में और समझने में आनंद आए, मज़ा आए और आप उसे सरल भाषा में समझ सकें। तो काठिन्य निवारण करने से पहले मैं आपको के लेखक के बारे में एक थोड़ा सा परिचय दूंगी कि हम जो नाटक जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं देवराज दिनेश। देवराज दिनेश जी ने बहुत सारे नाटक लिखे, ये एक बहुत प्रसिद्ध गीतकार भी हैं और इन्होंने फिल्मों में भी बहुत सारी अपनी एकांकियाँ लिखी हैं जिनके लिए इनको पुरस्कृत भी किया गया है। देवराज जी का जन्म 22 जनवरी 1922 में हुआ था और आज वो जगह पाकिस्तान में आती है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था।
तो ये तो हुई लेखक की बात। अब लेखक ने इतनी सुंदर एकांकी जो प्रस्तुत की है उसको समझने के लिए, सरल करने के लिए जो पाठ में आए हुए शब्द हैं उनका सरल रूप, यानी जो आपको कठिन शब्द लग रहे हैं उनका, उनको सरल करने के लिए, इस नाटक का मज़ा लेने के लिए उसकी भाषा को हिंदी में बदलते हैं, यानी शब्द अर्थ जानते हैं। तो काठिन्य निवारण देखेंगे। सबसे पहला शब्द है शस्त्र विद्या। शस्त्र विद्या किसे कहते हैं बच्चों? हथियार चलाने की विद्या। आजकल आप देखते हैं गोली, बंदूक, है ना? लेकिन पहले के समय में क्या हथियार होते थे? धनुष, बाण, भाला, गदा। इन हथियारों को चलाने की जो शिक्षा होती थी, जो विद्या होती थी, उन्हीं को हथियार चलाने की विद्या यानी शस्त्र विद्या कहते हैं। दूसरा शब्द है आखेट। आखेट किसे कहते हैं? शिकार। अब शिकार क्या होता है आप ये समझेंगे। धनुष बाण द्वारा, शस्त्रों के द्वारा, बंदूकों के द्वारा जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था, उनको मार दिया जाता था, उसे शिकार करना यानी आखेट करना कहते हैं। कुटीर। कुटीर क्या होती है? कुटिया। कुटिया यानी घास, फूस, मिट्टी से बनी हुई एक झोपड़ी, एक कमरा जिसमें निवास किया जा सके, रहा जा सके। जैसा कि आप अपनी ड्राइंग में, पेंटिंग में बनाते हैं, आप बनाते हैं ना हट, वही है कुटिया यानी कुटीर। निर्मम। निर्मम क्या होता है? दया रहित, जिसके हृदय में बिल्कुल भी दया ना हो, जो किसी पर दया ना करता हो, क्रूर हो, जैसे हम कहते हैं ना राक्षस हैं, राक्षस यानी किसी पर भी दया नहीं रखते, किसी को दर्द हो रहा है तो उनके हृदय में उनके लिए कोई ममता का भाव ना होना, दया रहित होना यानी निर्मम। निपुति। निपुति कहते हैं, जैसे आपको समझ आ रहा है, नी पुति, नी मीन्स नहीं, पुति पुत हो, जिसको पुत्र ना हो, जिस स्त्री ने पुत्र न जन्मा हो उसी को निपुति कहते हैं। हर्षातिरेक। हर्षातिरेक का अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्नता, बहुत ज़्यादा खुश होना। जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, उसी को यहाँ पर कवि ने, लेखक ने हर्षातिरेक शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जिससे कहानी बहुत अधिक सुंदर लगती है। रासे। रासे किसे कहते हैं बच्चे? रस्से। रस्सों से ही यहाँ पर रासे। रासे होती है घोड़ों की लगाम। आपने घोड़े तो देखे हैं, आप इतनी सारी पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, आप कार्टून मूवी देखते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि घोड़ों को कैसे कंट्रोल में किया जाता है। जब हम व्हीकल चलाते हैं तो व्हीकल में ब्रेक होते हैं जिससे हम व्हीकल को रोक सकते हैं, स्पीड होती है जिससे उसको बढ़ाते हैं। लेकिन पहले के समय में हम व्हीकल्स की जगह क्या यूज़ करते थे? हम यूज़ करते थे रथ, जिसमें घोड़े, बैल आदि बंधे होते थे, तो उन्हें इन रस्सों के माध्यम से रोका और भगाया जाता था। इन्हें घोड़े की लगाम की डोरियां यानी घोड़े को कंट्रोल करने वाली रस्सियां घोड़े की लगाम कहते हैं। निसंकोच। निसंकोच बिना संकोच के, यानी मन में बिना कोई संशय लाए, बिना कोई शक लाए, बिना कुछ सोचे, इसको कहते हैं निसंकोच। अहेरी। अहेरी का अर्थ होता है शिकारी। पहले शब्द आया था आखेट, जिसमें मैंने आपको बताया था शिकार यानी जो आखेट करता है। अहेरी शिकार, शिकार और शिकारी। शिकार जिसका वध हो रहा है, वो शिकार यानी मारा जा रहा है जिसको, और जिसके द्वारा किया जा रहा है वह शिकारी, आखेट करने वाला या अहेरी शिकारी। वन पथ। वन किसको कहते हैं बच्चों? आप सभी वन से परिचित हैं, जहाँ पर पेड़ों का बहुत विशाल समूह होता है, वन होता है, जंगल, कनन, और पथ मीन्स रास्ता, तो वन पथ यानी जंगल का रास्ता।
प्रतिमा, प्रतिमा से आप सभी परिचित होंगे, शायद सभी को पता होगा प्रतिमा क्या होता है। मूर्ति आपके घर में भी होंगी, सभी भगवान के कमरे में भगवान की मूर्तियाँ प्रतिमा रखते हैं, तो प्रतिमा मीन्स मूर्ति। स्वान, स्वान किसे कहते हैं? कुत्ते को। कुत्ते को शुद्ध भाषा में स्वान कहते हैं। घृणित, घृणित का अर्थ होता है घृणा से भरा हुआ, यानी जो दूसरों को पसंद ना करता हो, उससे घृणा करता हो, नफरत करता हो, उसे कहते हैं घृणित, जो घृणा के योग्य हो। घृणित घृणा से भरा हुआ। प्रत्यंचा, प्रत्यंचा क्या होती है? अब तो सभी को पता चल गया होगा क्योंकि सभी लोगों ने महाभारत बहुत मज़े से देखी है और उसमें आए हुए शब्दों को आपने बहुत अच्छे से सीखा है। आप उनका रोल प्ले भी घर पर करते हैं, है ना? कोई बच्चा अर्जुन बनता है, कोई भीम बनता है, तो आप प्रत्यंचा से परिचित हो गए हैं। यहाँ पर आप जानते हैं धनुष की डोरी, जो धनुष बाण होता है बच्चों, उसके बैक साइड पर जिससे हम तीर को कस के चलाते हैं, वो धनुष की डोरी, उसको प्रत्यंचा कहते हैं। पीहर, पीहर क्या होता है? आपकी दादी ने, आपकी मम्मी ने शायद कभी ना कभी इस शब्द का इस्तेमाल किया होगा, आपने घर में सुना होगा, है ना, कि मैं अपने पीहर जा रही हूँ। मम्मी कहाँ गई हैं, दादी कहाँ गई हैं, छुट्टियाँ हैं, पीहर गई हुई हैं। पीहर यानी मायका, माँ का घर, जहाँ हम अपनी माँ से जन्म लेते हैं, वो मायका, उसे ही यहाँ पर पीहर बताया हुआ है। चाकरी, चाकरी का अर्थ होता है नौकरी, यानी किसी की नौकरी करना। आप अपने घर में काम के लिए काम वाली रखते हैं, यानी वो आपके घर की चाकरी करती है, नौकरी करती है। तो आपको इन शब्दों का अर्थ पता चल गया है। अब हम इस पाठ का को पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर लेखक ने, दिनेश जी ने इसको सजाया है। देखिए बच्चों, जब आप टीवी ऑन करते हैं, सीरियल चलता है, तो उस पर नंबरिंग आती है ना, और उसके बाद उसमें काम करने वाले हीरोज़ के बारे में बताया जाता है। तो आपने, अब मैं जो ये नाटक शुरू कर रही हूँ, मैंने आपको बताया कि मेरे नाटक में कौन कौन से हीरो हैं, अब वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्टेज पर सबसे पहले कौन आता है, जब आप टीवी ऑन करते हैं तो टीवी पर यहाँ पर लेखक ने दिखाया है, सबसे पहले सुयोधन, यानी जिसको आप दुर्योधन के नाम से जानते हैं। सुयोधन की एंट्री होती है, टीवी हमारा खुलता है और टीवी पर सुयोधन आते हैं, और सुयोधन किससे बात कर रहे हैं? राधा माँ से। राधा माँ कौन है? कर्ण की पालक माँ, जिन्होंने कर्ण का लालन पोषण किया है। कर्ण का मैंने आपको क्या नाम बताया है यहाँ पर? वसुसेन, वसुसेन नाम है यहाँ पर कर्ण का। तो आप इसी के द्वारा इस नाटक को देखेंगे। अब देखिए, आपका टीवी ऑन हो रहा है और टीवी पर एंट्री है सुयोधन की। सुयोधन आता है और राधा माँ से कहता है, माँ वसुसेन कहाँ है? अब वसुसेन सुयोधन का मित्र है। आपके जो मित्र हैं, आप उन्हें किन नामों से संबोधित करते हैं? उनके निकनेम से, है ना, उनका छोटा नाम। अब वसुसेन को यहाँ पर सुयोधन ने वसु नाम से संबोधित किया है। आप भी तो अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही नाम इस्तेमाल करते हैं ना, सोनिया नाम है तो उसका शॉर्ट कर देते हैं सोनू। तो इसी तरह से यहाँ पर भी सुयोधन ने अपने मित्र वसुसेन को वसु नाम से संबोधित करते हुए राधा माँ से पूछते हैं कि माँ वसुसेन कहाँ है? माँ कहती है, वसुसेन तो घर में नहीं है, वो तो सुबह ही जंगल के रास्ते यानी वनपथ की ओर अपना धनुष बाण लेकर प्रैक्टिस के लिए, यानी अपना जो धनुष बाण की उसकी प्रैक्टिस है उसके लिए चला गया है। तो फिर वो कहती है, सुनो तो क्या कह रहे थे, बताओ तो। चार पाँच दिन से वसुसेन बहुत उदास दिखाई देता है, ऐसी क्या बात हो गई? इस पर सुयोधन कहता है, उदास तो होगा ही, बात ही कुछ ऐसी है। राधा माँ पूछती है, अरे ऐसा क्या हुआ जो वो इतना परेशान उदास सा रहता है?
तब सुयोधन कहता है कि माँ बात ही कुछ ऐसी है। राधा माँ पूछती हैं आश्चर्य से, ऐसा क्या हो गया? वो कहता है कि आपको नहीं पता, अभी कुछ दिन पहले जब द्रोणाचार्य, बच्चों यहाँ पर आप सभी परिचित हैं, द्रोणाचार्य कौन थे? कौरवों और पांडवों के गुरु, जिन्होंने उनको शस्त्र विद्या सिखाई। तो वो बता रहे हैं यहाँ पर सुयोधन कि द्रोणाचार्य ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हम सभी आश्चर्यचकित हैं। राधा माँ पूछती हैं ऐसा क्या किया द्रोणाचार्य ने जो तुम इतने आश्चर्य में हो? तब वो कहते हैं कि माँ, जब हम शस्त्रों की विद्या की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद हम सब खेल रहे थे, खेलते खेलते हम सब जंगल की तरफ गए, तो वहाँ पर हमने देखा कि एक भील बालक ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई हुई है और वो वहाँ पर धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा है और उसने हमें अपने बहुत सुंदर सुंदर खेल और करतब दिखाए, जिसके द्वारा पता चला कि वो धनुर्विद्या में कितना निपुण है, यानी कितना दक्ष है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है। सुयोधन बताता है कि उसका नाम एकलव्य है और वो एक भील कुमार है, 2 वर्ष पूर्व द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखने आया था। आचार्य ने उसे विद्या सिखाने से मना कर दिया था। वह लौट गया और वन में गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा यानी मूर्ति बनाकर मन ही मन उन्हें अपना गुरु मानकर शस्त्र अभ्यास करने लगा। वह धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गया। राधा, कमाल है, केवल प्रतिमा से यानी केवल मूर्ति से ही उसने इतना सब कुछ सीख लिया। सुयोधन, अपनी आस्था के सहारे कहो माँ, आस्था यानी अपने गुरु के प्रति जो उसका प्रेम था, अपने भगवान के प्रति जैसे हम आस्था करते हैं, इस प्रकार से वो उस मूर्ति के प्रति आस्था यानी मन से हृदय से समर्पित होकर उनसे सीख रहा था, इसी के सहारे वो इतना निपुण हो गया। राधा, फिर? सुयोधन, 5 दिन पूर्व हम सब शिष्य साथ में गुरु द्रोणाचार्य भी उसी वन में आखेट यानी शिकार के लिए गए, जहाँ पर एकलव्य कुटीर है यानी एकलव्य की कुटिया है। हमारे दल के साथ आखेटक स्वान भी थे, स्वान यानी कुत्ता, शिकार करने वाले कुत्ते भी थे। आगे जा रहा एक स्वान एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। उसको भौंकता देख एकलव्य ने उसका मुंह बाणों से भर दिया। इतने सारे बाण एकलव्य ने चलाए कि जो कुत्ते का मुंह था वो बाणों से भर गया, किंतु वह जरा भी घायल नहीं हुआ। कौन घायल नहीं हुआ? कुत्ता। इतने सारे बाण उसके मुंह में लगे थे लेकिन उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई। घायल होना यानी कोई भी चोट उसको नहीं आई। उसी हालत में लौट आया, जिस तरह से कुत्ता दौड़ते हुए भौंकते हुए उसकी तरफ गया था, वैसे ही बाणों से भरा हुआ मुंह, लेकिन कोई चोट कोई दर्द ना होता हुए वह वापस लौट आया। वह दृश्य देखकर हम सब आश्चर्यचकित रह गए। राधा, बात ही ऐसी है, फिर क्या हुआ? सुयोधन, हम सब वहाँ पहुँचे, एकलव्य ने द्रोण को प्रणाम किया और अपनी साधना की बात बताई। गुरुजी के साथ हम सब ने कुछ देर उनकी धनुर्विद्या के करतब देखे। द्रोण उनकी धनुष कला देखकर हैरान थे और परेशान थे। राधा, हैरान तो ठीक है लेकिन परेशान क्यों? हर गुरु को तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने उनकी प्रतिमा से इतनी अच्छी विद्या सीखी, फिर वो परेशान क्यों थे? इस पर सुयोधन कहता है कि वे नहीं चाहते कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धारी बने। राधा, दृढ़ता से, उनके चाहने से क्या होता है? सुयोधन यहाँ पर बताता है कि होता है माँ, कई उदार मन में एकलव्य इस तरह के झांसे में आ सकते हैं। उत्तेजित होकर द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी और दाहिने हाथ का अंगूठा। राधा, क्या कह रहे हो युवराज? इतनी घृणित गुरु दक्षिणा यानी इतनी घृणा से भरी हुई, जिससे मन
नफरत करने लगे, उसके मन में दया ममता खत्म हो गई, ऐसी दक्षिणा कैसे मांग सकते हैं गुरु द्रोणाचार्य? सुयोधन, हाँ माँ, एकलव्य ने अंगूठा काटकर दे दिया, मैं चलूँगा, बाहर और मित्र खड़े हैं, वसु आए तो उससे कहना कि मैं आया था। कौन? सुयोधन, हाँ जी। राधा माँ ऊँचे स्वर में, सुनो सुनो तो, लेकिन वह दौड़ते हुए चला जाता है। यहाँ पर पर्दा गिरता है और आगे की स्टोरी, यानी यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है और सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। तो अब आप नाटक में आगे देख रहे हैं अधीरथ। अधीरथ जो वसुसेन के पिता हैं, जो उनके पालक पिता हैं, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। वसुसेन आते हैं, वसुसेन के पिता अधीरथ आते हैं और चारपाई पर बैठ जाते हैं और राधा उनसे पूछती है कि क्या बात, आज जल्दी आ गए? तो कहते हैं हाँ, आज इतना काम नहीं था, बस उनकी आज तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से जल्दी आ गया। तब वे कहती हैं अच्छा। अधीरथ कहते हैं और तुम्हारा पुत्र कहाँ है? राधा कहती है वही तो, हमें तो लगा कि भाग्य हमसे ईर्ष्या करता है, जिस दिन तुम गंगा में बहती पटरी निकालकर मेरी गोद में लाकर दी, मैं निपुती इसे पाकर धन्य हुई, लोगों की बातें उकताकर हम चंपा नगरी छोड़कर हस्तिनापुर आ बसे, पर लगता है कि इन बातों से भी अभी हमारा पीछा नहीं छूटा। अधीरथ, तुम गलत सोचती हो राधा, भला किसे पता है कि वसु हमें गंगा में बहता हुआ मिला था? मैंने तो इसके मिलते ही गंगा किनारे से तेरे पीहर तुझे भेज दिया था और 2 वर्ष तक तुझे चंपा नहीं लाया था। राधा, कुछ भी कहो, लोगों की आंखें पैनी होती हैं, मुझे एक ही बात का भ्रम है, वसु के बापू अधीरथ किस बात का भ्रम है? राधा, जब तुम मेरी गोद में वसु को दिया तुमने, तो एक बार तुम्हें और मुझे स्वप्न में दिखाई दिए सूर्य भगवान। सूर्य भगवान ने हमें दर्शन देकर कहा कि यह मेरा पुत्र है और इसका बढ़िया लालन पोषण करना, यह बहुत ही यशस्वी होगा, तुम्हारा भी मान बढ़ेगा और अपना भी नाम अमर करेगा। अधीरथ, हम लोग सूर्य उपासक हैं ना, सच्चे हृदय से सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, भाग्यशाली हैं, इसलिए हमें देवता ने दर्शन दिए और सूर्य देव की इस दर्शन से ही, उनकी कृपा से ही हमें ये पुत्र प्राप्त हुआ है। देखो ना कितना सुंदर गठित हुआ उसका शरीर है, बड़े बड़े उसके कान हैं, ऐसे लगता है कि सूर्य देव ने स्वयं ही उसे कवच और कुंडल पहनाने के लिए इतना सुंदर शरीर देकर भेजा है। अधीरथ साथ ही आया है, रथ से घोड़े खोलकर उसकी पीठ थपथपाकर घोड़ों को बांध देता है। इसके बाद में वसुसेन आता है, वसुसेन जो कर्ण है। कर्ण कहता है कि माँ, मैं धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें एक ऊंचे पद पर बिठाना चाहता हूँ। इस पर राधा माँ कहती हैं कि अच्छा, लेकिन हम लोग रथ हाँकने वाले हैं और हम लोगों को कोई शस्त्र विद्या धनुष विद्या नहीं सिखाएगा, ऐसे में तुम कैसे वो करोगे? तब यहाँ पर कर्ण कहता है कि माँ, मैं किसी भी तरह से अर्जुन से धनुर्विद्या में कम नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि अर्जुन एक बहुत अच्छा धनुर्धर है, लेकिन मैं भी उससे कोई कम नहीं हूँ और मैं शस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ, और जिसके लिए मैं अब उनको द्रोणाचार्य ने तो सिखाने के लिए मना कर दिया था, तो वो कहते हैं कि मैं परशुराम के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करूँगा। इस पर राधा माँ कहती हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि परशुराम ने धनुष विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया था, जब और उन्होंने कसम खाई थी कि वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाएंगे, ऐसे में तुम कैसे सीखोगे? तब वह कहता है कि
आप मुझे आज्ञा दें और मुझे जाने के लिए कहें, यह सब आप छोड़ दें, मैं शस्त्र विद्या सीखने के लिए जाऊंगा। ऐसे में वो माँ से इतनी बातें करता है और वसु कहता है कि मैं महेंद्रांचल पर्वत पर परशुराम रहते हैं। राधा माँ कहती है तुम इतनी दूर कैसे जाओगे। और उसके बाद परशुराम जो हैं वो बहुत ही गुस्से वाले हैं, बहुत ही क्रोधित हैं। अगर उन्होंने कहीं तुम्हें गुस्से में आकर श्राप दे दिया, यानी गुस्से में क्रोध में आकर तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तब मुझे तो इस बात से बहुत डर लगता है। लेकिन वसुसेन कहता है कि माँ मुझे तो ये विद्या सीखनी ही है और मैं उनके पास जाकर विद्या सीखूंगा। और वो चल देते हैं जंगल के रास्ते, यानी वन पथ पर चल देते हैं। और चलते चलते पहुंच जाते हैं वसुसेन कहाँ पर, परशुराम जी के पास, जो रहते हैं महेंद्रांचल पर्वत पर। वहाँ पर वो अपना रूप जो है वो ब्राह्मण का धारण कर लेते हैं और उनको जाकर अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे विद्या सीखना चाहता हूँ। इस तरह से वहाँ पर परशुराम जी जो हैं वो कर्ण को, यानी वसुसेन को, विद्या देना शुरू कर देते हैं। उनकी विद्या शुरू हो जाती है। इसके बाद एक घटना होती है। एक दिन परशुराम जी जो हैं विश्राम कर रहे थे। और विश्राम कहाँ कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, वसुसेन यानी कर्ण की गोद में। और उन्हें निंद्रा आ जाती है। लेकिन वसुसेन जो है वो बहुत ही कर्मठ है, कठोर है। वो किसी भी पद पर अपने गुरु की पूर्ण तरह से, हर तरह से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है और उनकी हर प्रकार से सहायता रक्षा करता है और अपने गुरु के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करता है। तो एक समय जब परशुराम जी वसुसेन की गोद में सो रहे थे, उसी समय वहाँ पर एक जहरीला कीट आ जाता है और वो वसुसेन के पैर में काट लेता है। अब जब आपको कोई कीड़ा काट ले तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, शरीर में अजीब सी बेचैनी हो जाती है। लेकिन वो इतने कठोर हैं, कौन, वसुसेन, वो तनिक भी हिलते नहीं हैं। और कीड़ा उनके पैर में काट काट कर इतना जख्म कर देता है कि उनके जख्म से खून बहने लगता है। जब खून बहता बहता परशुराम जी के हाथ तक पहुंच जाता है, तब परशुराम जी की निंद्रा खुलती है और वो उठकर देखते हैं कि खून, और वो खड़े होते हैं, देखते हैं कि खून जो है वो वसुसेन की पैर से बह रहा है। तब वो वसुसेन से कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, कौन हो तुम। तब वो कहता है कि मैं अधीरथ और राधा का पुत्र हूँ। उन्होंने, वो कहते हैं, सूत पुत्र, एक सारथी के पुत्र, और तुमने मुझसे झूठ बोलकर विद्या सीखी, ये तुमने बहुत गलत किया। तब वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ, लेकिन जब मुझे सभी ने मना कर दिया तब ऐसे में मैं क्या करता, इसलिए मैं आपके पास झूठ बोलकर ये विद्या लेने के लिए आया। तब वो कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और वो उसको श्राप देते हैं और कहते हैं कि तुम समय आने पर ये विद्या भूल जाओगे। लेकिन कर्ण बहुत ही दयालु और नर्म हृदय के हैं, वो हाथ जोड़कर इस श्राप को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं इसे आपका आशीर्वाद समझकर ग्रहण करता हूँ, इसको धारण करता हूँ। लेकिन परशुराम जो हैं वो कठोर तो हैं, लेकिन अपने गुरु के प्रति उनको दया भाव भी है। और वो कहते हैं रुको, बैठो, अपने जो अंग रखा होता है उससे वो कपड़ा फाड़ कर देते हैं और कहते हैं कि इसे अपने घाव पर बांध लो। और कुछ क्षण ध्यान करते हैं, वसुसेन घाव पर पट्टी बांधता है, परशुराम ध्यान मग्न हो जाते हैं और परशुराम वसुसेन यानी कर्ण के कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं और कहते हैं उठो कर्ण। कर्ण, अभी तक तो हम वसुसेन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं,
अब कर्ण कौन? वसुसेन यानी वसु। वसु कहता है कौन कर्ण? मेरा नाम तो वसुसेन है। परशुराम मुस्कुराकर कहते हैं तुम्हारे सुंदर शरीर को देखकर पुरोहित ने तुम्हारा नाम वसुसेन रख दिया, किंतु आज मैं तुम्हारी कर्मठता, लगन, धैर्य और कठोरता को ध्यान में रखते हुए तुम्हारा नाम रखता हूँ कर्ण। इसको अंडरलाइन कर लेंगे बच्चों, तुम्हारे सुंदर शरीर को देखकर पुरोहित ने तुम्हारा नाम वसुसेन रखा था। आगे कहानी में प्रश्न है पुरोहित ने कर्ण का नाम वसुसेन क्यों रखा, तो ये इसकी आंसर लाइन यानी इसका उत्तर बनता है कि पुरोहित ने सुंदर शरीर को देखकर उनका नाम वसुसेन रखा था। इसी से मिलता हुआ अगला प्रश्न है भगवान परशुराम ने वसुसेन का क्या नाम रखा और क्यों, तो इसका उत्तर बनता है, इसकी आंसर लाइन लिखेंगे भगवान परशुराम ने वसुसेन का नाम कर्ण रखा। क्यों रखा? उनकी कर्मठता, उनकी लगन, उनके धैर्य और उनकी कठोरता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उन्हें कर्ण नाम दिया। वसुसेन यानी जो अब कर्ण हो गए हैं। गदगद स्वर से आपके धन्यवाद से मेरे भूत भविष्य को देखा है गुरुदेव, यानी जो आपके पास दिव्य दृष्टि है उससे आपने जान लिया कि मेरा भूत और भविष्य क्या है, यानी जो मेरा पिछला गुजरा हुआ कल है वो और जो मेरे साथ आगे होने वाला है वो, आपने उन दोनों को जान लिया है। परशुराम, सभी कुछ देखा, सभी कुछ जाना, तुम अपने साहस और लगन से सभी विरोधी शक्तियों को समाप्त कर दोगे। आओ आश्रम चलें, मैं तुमको 5 अनमोल बाण दूंगा। कर्ण, किंतु वसुसेन, किंतु क्या गुरुदेव? परशुराम, तुझमें दान देने की भावना बहुत अधिक है, मेरे द्वारा दिए 5 बाण भी कहीं अपने विरोधार्थियों को दान में ना दे दे, इस बात से शशंकित हूँ, यानी इस बात का मुझे संशय है। वसु, ऐसा नहीं होगा, अपने प्राण कौन किसको दान में देता है, यानी वो उसे धनुर्विद्या से इतना प्यार था कि उसके प्राण उसमें बसते थे, तो वो कह रहा है कि कोई अपने प्राण किसी को दान में कैसे दे सकता है। परशुराम, ऐसे न कहो, यही अच्छा है, आश्रम से ठीक होकर तू सीधे हस्तिनापुर जाना पुत्र, वहाँ कौरव पांडव राजकुमार की शस्त्र परीक्षा हो रही है, उसमें भाग लेना, वहीं से तेरा यश चारों ओर फैलेगा। वसु, जो अब कर्ण बन चुका है, वसुसेन, उत्सुकता से, मेरे जन्म के विषय में और क्या जाना गुरुदेव? अपने जन्म के बारे में आप भी जानना चाहते हैं ना, आप अपनी मम्मी से अपने बचपन के बारे में पूछते हैं, मैं क्या से बोलता था, मैं क्या करता था, तो ऐसे ही उत्सुक हो रहा है यहाँ पर कर्ण और पूछ रहा है गुरुदेव से कि गुरुदेव आपने मेरे जन्म के बारे में क्या जाना। परशुराम, फीकी हंसी यानी आर्टिफिशियल हंसी, जो तूने स्वप्न में जाना, आओ आश्रम चलें, यह कीट बहुत विषैला है, शीघ्र तेरा उपचार ना किया तो खतरा हो सकता है। बगल में बाह डालकर सुसेन को उठाते हुए इसके साथ ही पर्दा गिरता है यहाँ पर, यानी आपका ये एपिसोड खत्म हो जाता है, ये स्टोरी खत्म होती है। तो आपको मज़ा आया होगा स्टोरी सुनकर, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। आपने स्टोरी पढ़ ली है तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आंसर क्लियर करना बहुत ही ईजी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है कर्ण एकांकी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर बताया कि ये पात्र हैं, यही इसकी फर्स्ट आंसर लाइन बनेगी यानी पहला उत्तर बनेगा। कौन कौन से हैं यहाँ पर पात्र हैं? सुयोधन, दूसरा पार्ट राधा माँ जिन्होंने लालन पोषण किया कर्ण सुसेन का, तीसरा अधीरथ हैं कर्ण के पिता, चौथा पात्र है वसुसेन यानी कर्ण,
और परशुराम। तो यहाँ पर आंसर नंबर वन क्लियर हो गया। दूसरा है, पुरोहित ने कर्ण का नाम वसुसेन क्यों रखा? मैंने आपको बताया था स्टोरी में, उनके सुंदर शरीर से, उनके सुंदर शरीर के कारण। भगवान परशुराम ने वसुसेन का नाम रखा और क्यों, ये हम स्टोरी में पहले क्लियर कर चुके हैं। इनको आप अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर लेख के साथ लिखकर याद करेंगे। अगला प्रश्न है, कर्ण का पालन पोषण किसने किया? तो कर्ण का पालन पोषण किसने किया था? राधा और अधिरथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण को दिव्य शस्त्रों की शिक्षा किसने दी थी? इसकी आंसर लाइन है परशुराम जी ने। वन वर्ड आंसर आप यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है, कर्ण ने भगवान परशुराम से दिव्य शस्त्रों की शिक्षा कहां जाकर सीखी थी? कहां जाकर सीखी थी? महेंद्रांचल पर्वत पर। इस एकांकी का नायक कौन है? लिखिए, नायक यानी हीरो। तो कौन है इसका नायक? इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। धन्यवाद।